अरे बहन सोनिया जी, तुमने ये काम बहुत अच्छा करा कि नाव पे बैठा के और तुम तालाब को पार करवा देती हो। वैसे तो 2 दिन में हम पास के गांव में जा पाते हैं, आपके नाव पे जब बैठते हैं तो 1 घंटे में आप पहुंचा देती हो पास के गांव में। अरे बहन सोनिया जी, तुम्हारी नाव चलाने का मुझे तरीका बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, और आप 1 घंटे में भी पहुँचा देती हो। वैसे तो 2-3 दिन लग जाते हैं पास के गाँव में जाने के लिए, आपकी नाव पे बैठ के 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। ये तरीका मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। मायावती जी, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब 1 घंटे के अंदर अंदर तुम वापसी नाश्ता खरीद के ले आओगी। और वैसे आप जाती तो 2 दिन तो जाने में ही लगते आपको पास के गांव में, इसीलिए बहन सोनिया जी की नाव बहुत अच्छी है। अरे अखिलेश जी, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर बहन सोनिया जी तुम अपनी नाव को जरा थोड़ी तेजी से चला लो क्योंकि हमें शहर बहुत अर्जेंट जाना है। और राहुल जी, आप कैसे खामोश बैठे हो, आप कहाँ पे जा रहे हो? मोदी जी, तुम्हें क्या बताऊँ, कहीं जा थोड़ी नहीं रहा हूँ मैं, वैसे भी तो मैं खाली घूमता रहता हूँ गाँव में, इसीलिए मम्मी जी के साथ में आया हूँ नाव चलाने के लिए। पूरे गाँव में टाइम पास करता हूँ, खाली घूमता हूँ, इसीलिए मम्मी जी के साथ में आया हूँ आज नाव चलाने के लिए मैं। अरे बहन सोनिया जी, ये काम तुमने बहुत अच्छा करा, राहुल जी को भी तुमने अपने साथ में लगा लिया काम पर। वैसे भी तो राहुल जी पूरा दिन गांव में खाली घूमते रहते थे, और आप भी थक जाती होगी नाव चलाते चलाते अकेले। अब राहुल जी आपके साथ में चलाएंगे तो आपका कारोबार भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। मोदी जी, तुम्हें क्या बताऊं, मैं भी तो नाव अकेले चलाते चलाते थक जाती हूं, इसीलिए मैं अपने बेटे राहुल को भी आज ले आई। अब वो मेरे साथ में नाव चलाया करेगा, थोड़ी देर वो चलाएगा, थोड़ी देर मैं चलाऊंगी, बस पूरा दिन ऐसे गुजर जाया करेगा हमारा। और ये देखो आ गया गाँव, चलो उतरो अब जल्दी और भाई लोग बेटे।